बुरहानपुर के लालबाग रोड स्थित द्वारकापुरी कॉलोनी में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां 130 फीट गहरे कुएं में एक मजदूर गिर गया। यह हादसा झाड़ियों की सफाई के दौरान होना बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही लालबाग थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य में जुट गई। कुएं की गहराई और गाद बचाव कार्य में चुनौती पैदा कर रही है। कुशल विशेषज्ञों की टीम मजदूर को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही है। पुलिस बल, एसडीआरएफ की टीम और एम्बुलेंस मौके पर तैनात है। पुलिस अधिकारियों ने मजदूर की लोकेशन का पता लगाने का प्रयास किया है और जल्द ही मजदूर को सुरक्षित निकालने की उम्मीद जताई है। आता था घर में, चूंकि अजगर निकला था करीब करीब 6-8 महीने पहले, तो पीछे झाड़ियाँ बहुत आ जाती हैं। वो झाड़ियाँ होने से घर के पास की साफ सफाई के लिए मजदूर बुलाए थे दिवाली के लिए जी। तो अब मैं उसको पीछे काम बताने गया, अब वो अपना पीछे आ रहा था, तो पीछे किधर से आ रहा था ये मेरी जानकारी में नहीं था। वो रेगुलर आते ही हर साल आता है, अपना 200-250-300 रुपये घंटे, आधे घंटे जो भी उसको लगता है वो अपना ले करके सफाई करके चला जाता है। तो वो मैं पीछे खड़ा हूँ कि वो आ रहा है, और जब तक फिर इधर से दौड़ के उसका एक साथी आया, बोले भैया वो वहाँ पे कुएं में गिर गया। तो फिर मैं इधर दौड़ के आए, फिर मैंने 100 डायल को फ़ोन किया, उसके बाद 105 को फ़ोन किया, और हम लोगों ने कॉलोनी वालों ने मिल के सब लोगों ने जो भी सफाई करके और जो अपने से भरसक प्रयास होता था वो अपने ट्राई किया। इसमें ये बसाड़ स्थित बीटी मिल का कर्मचारी था, वो यहाँ निजी निवास पे कैसे आया? नहीं, उसका इससे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि जनरली जब आदमी छुट्टी हो जाती है, और चूँकि वो पेड़ काटने का काम ही करता है, छटाई वटाई का, और पिछले 7-8 सालों से आते ही है, तो जब भी खाली रहा तो मैं उसको ले आता हूँ, और उसके एवज में वो 200-300 जो उसका चार्ज रहा वो अपना ले लेता है, और ये जनरली दिवाली के आसपास ही अपन उसको बुलाते हैं। तो उसके परिजन को सूचना दी गई? हाँ, वो उसका क्योंकि मोबाइल बंद था। क्या नाम है इसका, कहाँ का रहने वाला? ये सुधाकर नाम है, ये